आपने चेक किया यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज कर दी। अब एचडीएफसी से बैक करेंगे, अल्टर F1 से बाहर चलेंगे, F1 प्रेस करेंगे, कंपनी के नाम से महाकाल सिस्टम नाम से यही थी, इसको ओपन कर दें। पहले क्या पासवर्ड दिया, यूजर नेम दिया था ICIC पासवर्ड 1234 नहीं था ना, ऐसे क्या चेंज कर दिया अपन ने, महाकाल और पासवर्ड 1234 हो गई ओपन। अल्टर F3 और A प्रेस करके आप कंपनी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आ जाएगा और कोई डाउट? और कोई डाउट कंपनी का? देखिए आपका नाम चेंज करना है, अभी अपन यहाँ से अल्टर F3 प्रेस करते हैं, फिर आप यहाँ पे A प्रेस करिए, अल्टर पे आ जाइए। अब आप देखना है यहाँ पे आपको बता रहे कंपनी का नाम आप इसे चेंज करना चाहते हैं, अभी आप देख रहे कंपनी का नंबर कितना है 10264 एंटर कर दी। अपन ने इसको यहाँ पे नाम कर दिया महाकाल 7 ठीक है, एंटर करेंगे। अब आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे ठीक है। अब अपन एचडीएफसी से बैक चलते हैं, यही नंबर था पहले 10264 एचडीएफसी से बैक चलते हैं, अल्टर F1 से बाहर चलेंगे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे F1 प्रेस करेंगे, किस नाम से थी अपनी कंपनी महाकाल 7 के नाम से, देखिए चेंज हो गया कंपनी का नाम, नंबर अभी वही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है नाम चेंज हो गया कंपनी का नाम। अगर आपका नंबर चेंज करना होता है तब आप क्या करते हैं उस कंपनी जो है दूसरी कंपनी बना लेते हैं, मतलब जैसे आप दूसरी कंपनी बनाते हैं उसका नंबर ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंज हो जाता है ठीक है। आप अल्टर F3 प्रेस करके कंपनी में जो भी चेंजेस करना है कर सकते हैं, अल्टर F3 फिर A आ जाएगा। और किसी में डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं भैया आप लोगों को? नहीं तो फिर हम आगे बता देना आप लोग, फिर नहीं फिर आप यहाँ पे अपन ने अभी कंपनी क्रिएट की ना उससे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए अभी आपको यहाँ पे पेरोल वाउचर देखने का नहीं मिलता, आप F11 प्रेस करेंगे फिर आप जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स पे, इसमें आ रहा है यहाँ पे मेंटेन पेरोल, इस ऑप्शन को यस करेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर? F11 फिर मेंटेन पेरोल एंटर करके सेव। अब HDFC से जाएंगे, अब आ रहा है यहाँ पे मेंटेन पेरोल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जाएंगे आप पेरोल इन्फो पे, सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं पेड, पेड क्रिएट करेंगे पहले सैलरी का, अंडर में पेड टैब में क्या आ जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, अंडर में क्या आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करेंगे, इससे इफेक्ट नेट सैलरी पे पड़ेगा तो यस, नेम ऑफ सॉरी नेम टू अपीयर इन पे स्लिप, पे स्लिप किस नाम से अपीयर होगी सैलरी के नाम से, कैलकुलेशन टाइप में क्या जाएगा एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है, एंटर करके सेव आ जाएगा इतना। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट बनाना है लीव का ठीक है, लीव तो आप यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे पेड टाइप में डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि लीव और एबसेंट का अमाउंट एम्प्लॉय का माइनस हो जाता है, अंडर में क्या आ जाएगा करेंट लाइबिलिटीज, एंटर इसको भी क्या सिलेक्ट करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करके सेव। लीव और एबसेंट का सेम बनता है, एबसेंट का भी क्या हो जाएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय और करेंट लाइबिलिटीज, एंटर करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करके सेव आ जाएगा। बना लेंगे इतना, फिर से बताना है कोई सा। आप HDFC से बेच चलते हैं, आप क्या बनाएंगे एम्प्लॉय का ग्रुप, एंटर करेंगे क्रिएट, जैसे अपन ने मान लिया एक एम्प्लॉय का ग्रुप क्या है अपना डेटा एंट्री ऑपरेटर, एंटर करके सेव, ऐसे जो भी ग्रुप होंगे आप एम्प्लॉय के ग्रुप बना लेंगे। आप HDFC से बेच चलते हैं, अब क्या बनाएंगे अपन यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, जैसे एम्प्लॉय का नाम अपन ने दे दिया सोहन, एंटर करेंगे फिर एंटर, अंडर में क्या आ जाएगा इनका ग्रुप क्या है डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया एंटर, फिर आपको डालना है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय कॉलेज में नंबर दे दिया जाता है यहाँ पे आप एम्प्लॉय नंबर डाल देंगे। फिर पूछ रहा है डेजिग्नेशन, इनका पद क्या है, ये क्या वर्क करते हैं आपके यहाँ डेटा एंट्री, इनका पद क्या हो जाएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर, फंक्शन ये क्या वर्क करते हैं ऑफिस वर्क रहता है तो
फंक्शन में क्या जाएगा, ऑफिस में लोकेशन कहाँ मिलेंगे, ऑफिस में। फिर पूरी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे आप यहाँ पे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर मदर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी डाल लेंगे। फिर यहाँ आपसे पूछ रहा है पेमेंट डिटेल, अगर आप उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो क्या डालेंगे, बैंक का नेम, ब्रांच नेम और बैंक अकाउंट नंबर, लेकिन किसका डालेंगे, एम्प्लॉय, एंटर करके सेव आ जाएगा, बना लेंगे इतना। अब एस एफ से तबियत चलते, एस एफ की का यूज जब तक करते जब तक गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब पेरोल वाउचर के लिए वाय प्रेस करेंगे, एंट्री करेंगे आप पेरोल वाउचर, एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं, कैश, तो क्या आ जाएगा, कैश। किसको दे रहे हैं, सुहान, क्या दे रहे हैं, सबसे पहले सैलरी, मान लिया इनकी सैलरी है 8,000 रुपये, एंटर करते हैं, कितनी सैलरी मिल रही है इन्हें अभी, 8,000। इन्होंने एक दिन लीव ली थी, और आप क्या रूल है, लीव लेने पे एक दिन की सैलरी माइनस हो जाती है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल एन, 8,000 डिवाइड बाय मंथ के डे, एंटर करेंगे तो अमाउंट आ जाए, कितना आ रहा है, 258। एक दिन लीव लेने कितना माइनस हो जाएगा, ठीक है, एंटर, देखिए माइनस हो गया, फिर एंटर कर। अब ये एबसेंट भी है, और आप क्या रूल है, एक दिन एबसेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस हो रही है, तो कंट्रोल एन करेंगे, बेसिक सैलरी कितनी है, 8,000, डिवाइड करेंगे मंथ की डे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि एक दिन एबसेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस हो रही है, एंटर करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 516, इसमें आप इतना डाल देंगे, 516, एंटर करेंगे, देखिए माइनस हो गया, एंटर करके सेव कर देंगे, आ जाएगा। सर से देख लेना, हम प्रोफन दे देंगे, इस तरह नहीं आएगा तो फिर से बता, क्लियर है, आवाज आएगा। अब आप लोगों का सिलेबस के हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया, इतने में कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, क्लियर।